ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। यस्टरडे वी कंप्लीटेड टिल पॉइंट नंबर 7। नाउ लेट्स बिगिन विथ इकोनॉमिक चैलेंज प्रोसेस, इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस। तो सर, हमने ये चीज तो कल देख ली कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हालत क्या हो गई थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को जरूरत क्यों थी, ये भी पढ़ लिया। अब ये सारी चीजों की जरूरत थी, ये सारी चीजों के कारण रिफॉर्म्स की जरूरत थी। अब क्या हुआ ये भी तो जानना जरूरी है सर, क्या हो गया, क्या कर लिया आपने। इसके ऊपर मैं आपको एक हिंट देता हूं, आईसीआई ने कम से कम 6 से 7 एमसीक्यू इतने पॉइंट्स पर बना लिए। ये तुम्हारे लिए की एरिया है, ये मिस आउट कर दिया भैया बहुत नुकसान हो जाएगा। पढ़िए, अपन बात करते हैं कि इकोनॉमिक चेंजेस लाए, क्या चेंजेस लाए वो देखते हैं। देयर इज ड्यूअल रूट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफटीआई, आरबीआई आर्टिकुलेटेड द एरिया ऑफ ऑटोमेटिक रूट। तो बेटा होता क्या था, कभी भी एफडीआई को मेरी कंट्री में आना रहता था। नाउ आई एम नॉट लुकिंग एट कमेंट, ठीक है, आप सब लोग यहां पर ध्यान दीजिए, मैं भी बिल्कुल फोन पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, अब मैं सीधा रुकूंगा चैप्टर कंप्लीट होने पर ही। तो बेटा ड्यूअल रूट होता है, ध्यान से सुनिएगा, ड्यूअल रूट होता है यानी कि बाहर से अगर कोई पैसा लेकर आना चाहते हैं तो उसके दो रास्ते रहते हैं। एक होता है अप्रूव्ड रूट, अप्रूवल लगता है, इसको गवर्नमेंट रूट भी बोला जाता है। दूसरा रहता है ऑटोमेटिक रूट, कि गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट अप्रूवल दे रखी है कि नहीं भैया ये पर्टिकुलर बिजनेस है, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी, तू आ जा, तेरे को कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, तेरे को पहले से हमने अप्रूवल देके रखी हुई है, यानी कि तेरे को एक पास दे रखा है, तू आ जा। लेकिन अप्रूव्ड रूट यानी कि गवर्नमेंट रूट के अंदर आपको परमिशन लेनी पड़ती है। किसकी परमिशन लेनी पड़ती है आगे बताऊंगा, FIPB की परमिशन लेनी पड़ती है, आगे देखेंगे। चलिए, तो ड्यूअल रूट थे। गवर्नमेंट रूट मींस रूट अदर देन ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट यानी कि आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आ जाओ। और इसका अपोजिट रहता था गवर्नमेंट रूट यानी कि अप्रूव्ड रूट रहता था। आगे देखते हैं, ऑटोमेटिक परमिशन वॉज ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री। ये आएगा एमसीक्यू के अंदर, मतलब मेरे नहीं पर आईसीआई के एमसीक्यू में आ सकता है। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बोला आ जाओ, ऑटोमेटिकली आ जाओ। तो पूछा जाएगा कौन से सेक्टर में ऑटोमेटिकली अलाउ किया था, ऑटोमेटिक अलाउ किया था बेटा आपको टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट, NRIs और ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज को। यानी कि सर बाहर का होता है NRIs नॉन रेसिडेंट इंडियन, एंड ओवरसीज सर बाहर की कॉर्पोरेट कंपनीज को अलाउ किया गया कि 100% इन्वेस्ट कर दो प्रायोरिटी सेक्टर में। सर ये क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा सर, नहीं 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 सर समझ में नहीं आ रहा। पोस्ट इंडिपेंडेंस हालत खराब थी अपनी, हाँ सर बहुत खराब थी, रिफॉर्म्स की जरूरत थी, क्या किया वही बता रहे। जहां भयंकर अप्रूवल लगते थे वो अप्रूवल हटा दिया और ऑटोमेटिक रूट लिया। यहां पर तुम्हें बोला टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट, आ जाओ डायरेक्टली आ जाओ टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे तो ठीक है। एनआरआईज और ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज को, बड़े बड़े इन्वेस्टर को बोला कि प्रायोरिटी सेक्टर में 100% 100% पैसा लगा दो, हमको कोई तकलीफ नहीं आपसे। हाइक इन फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन टू 51% फॉर द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड लिबरलाइजेशन ऑफ यूजिंग ब्रांड नेम। यानी कि बाहर की कंपनी को बोला भी गया कि अब तुम 51% शेयर ले सकते हो। ये 51 अद्भुत नंबर क्यों है, 51 मतलब मोर देन 50, यू आर अक्वायरिंग मोर देन 50% शेयर, अब तुम्हारी कंपनी हो जाएगी। उनको बोला कि तुम 51% से ज्यादा शेयर ला सकते हो, साथ ही साथ अपना नाम यूज कर सकते हो। तुम्हें पता है पहले अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती तो उसको इंडिया में नाम चेंज करना पड़ता था अपना, अब उनको अलाउ कर दिया गया। तो तुम्हें लगता है फेसबुक इंडिया में आता तो अपना नाम चेंज करता, नहीं करता, ये आएगा एग्जाम में। साइनिंग द कन्वेंशन ऑफ मीगा, सर मीगा, मीगा मतलब मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यूएस का बंदा है सर ये, लेट्स से स्टीव जॉब्स है। तो स्टीव जॉब्स को बोला गया कि भैया आजा 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 आजा, शाम होने आई। वो बोला नी नी भैया, मौसम ने ली अंगड़ाई, मैं नहीं आता। उससे पूछा क्यों नहीं आ रहा, बोलता है मेरी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो ये इंडिया क्या बोलता है कि भैया मैंने यूएसए के साथ ना मीगा कर रखा है, यानी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा है सर हमारा, अब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का हम ख्याल रखेंगे। तो इसने क्या किया, जॉब साहब ने सर वो यूएसए से उठ के यहां पर आ गए। क्यों आए सर, पहले क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि पॉलिसीज खराब थी, मीगा लेकर। द एफर्ट्स वेर बूस्टेड बाय एनैक्टमेंट ऑफ फेमा। ये पूछा जाएगा तुमसे सर कौन लाया, फेमा को लेकर आए सर, फेमा फेमा ही लेना, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कब आई सर, 1999 में, इससे पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में। तो 1973 से 1999 तक फेरा चलता रहा, 1999 में फेमा आ गया बेटा।
तो फेरा हटा के फेमा क्यों आए? क्योंकि फेमा के अंदर रूल्स बहुत अच्छे थे, फेरा में लेस स्ट्रिंजेंट थे। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1997 में क्या हुआ सर? 100% FDI अलाउ कर दिया गया होलसेल वालों को, होलसेल कैश एंड कैरी। याद है अपने वॉलमार्ट पढ़ा, वॉलमार्ट ने इंडिया में होलसेल स्टोर खोला था कैश एंड कैरी वाला, तो उसके अंदर भी वॉलमार्ट को परमिशन मिल गई, तू 100% ला सकता है, ठीक है। और अगर आप सिंगल ब्रांड रिटेल में है, होलसेल में 100%, रिटेल में 51%, सिंगल ब्रांड रिटेल में 51%। रिकैप करवाऊंगा, लेकिन फिर सर 2012 में उन्होंने बोला सिंगल रिटेल एक ही ब्रांड बेच रहा है, पहले 51% था, आप 100% ले ले, और मल्टी ब्रांड को 51% दे दिया। यानी कि सर इन्होंने खोलते ही गया अपना खजाना। एक बार मैं रिकैप करवाता हूँ सर, सबसे पहले ड्यूअल रूट होते थे, आज भी ड्यूअल रूट है, लेकिन गवर्नमेंट ने मैक्सिमम चीजें ऑटोमेटिक रूट में ले आए। ड्यूअल रूट का एक रूट है ऑटोमेटिक रूट, और दूसरा है गवर्नमेंट रूट यानी अप्रूव्ड रूट। अप्रूव्ड रूट कम कर दिया, ऑटोमेटिक ज्यादा कर दिया। टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट लेकर आओ, NRIs एंड ओवरसीज कॉर्पोरेट बोरोवर्स ले आओ भैया, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी अपना पैसा लगा लो, 100% लगा दो यहाँ पे। फिर उसके बाद सर फॉरेन इक्विटी को इंजेक्शन, इक्विटी वालों को बोला 51% शेयर लगा दो, आगे जाके तो 100% भी कर दिया। ब्रांड नेम यूज करने का अलाउ किया, मीगा साइन हो गया सर, उसके बाद फेमा आ गया, फेरा हट गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर 1997 में होलसेल को 100% मिल गया था, 2006 में रिटेल सिंगल ब्रांड को 51% इन्वेस्टमेंट अलाउड था, यानी कि 49% इंडियन होना चाहिए। तो तुम्हें पता होगा वॉलमार्ट जब इंडिया में आया था, तो वो भारती के साथ आया था, भारती कौन सर? सर एयरटेल वाले भारती, अपने भारती के साथ आया था। क्यों सर? क्योंकि उन्हें सिर्फ 51% अलाउड था, 49% इंडियन कंपनी चाहिए थी। फिर सर 2006 में उनको कर दिया गया तुम 100% करो, मल्टी ब्रांड है तो 51% रहने दो। तो होलसेल 100, सिंगल रिटेल 100, मल्टीपल रिटेल 51। ये सब गजब के चेंज हो, इस पे कम से कम तुम 2 MCQ एक्सपेक्ट करो फाइनल एग्जाम में, तुम्हारे फाइनल एग्जाम में कम से कम 2। आइए सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये चैप्टर अब भी देखना 20-25 मिनट में कंप्लीट कैसे तड़कते भड़कते तरीके से हो जाएगा, और आपको बहुत मजा आने वाला है। अब मजा शुरू हो रहा है सर। सर हमें बात करनी है आज GDP की, बहुत सीरियस मुद्दा है सर, आज हम बात करेंगे GDP की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की नहीं सर। G stands for goal, D stands for decision, and P stands for policy। तो अगर आप ये सीक्वेंस देखेंगे ना बेटा GDP, तो सबसे पहले क्या बनेगा? गोल्स। गोल्स के लिए आप अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, यानी कि करेंगे आप डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, लाइफ में गोल सेट होते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए मल्टीपल रूट्स आते हैं, अल्टरनेटिव्स आते हैं, तो आप लेते हैं डिसीजन, और डिसीजन जो लिया गवर्नमेंट उसकी पॉलिसी बना देती है। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये जो डिसीजन है इसका उत्पन्न गोल से हुआ है, और पॉलिसी जो है ये निकली है डिसीजन से। सर गोल की मदद से डिसीजन, डिसीजन की मदद से पॉलिसी, या फिर पॉलिसी निकली है डिसीजन से, और डिसीजन निकला है गोल से। बात समझ में? सर इन जनरल आज तक हम गोल डिसीजन पॉलिसी को एक ही समझते आए हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं हम इसको एक समझते आए हैं, पर वो ऐसा नहीं है। सबसे पहले सर गोल सेट होगा, फिर डिसीजन उसमें से निकलेगा, और फिर सर पॉलिसी उत्पन्न होगी। पढ़िए सर, मेनी टाइम टर्म्स लाइक पॉलिटिकल गोल्स, डिसीजन एंड पॉलिसी आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, बट दे डू नॉट मीन सेम। डिसीजन मेकिंग याद है क्या आपको? डिसीजन मेकिंग कब होती है? जब ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल रहते थे। पढ़िए, डिसीजन इज अ एक्ट ऑफ मेकिंग चॉइसेस। सर यहाँ एक्ट है चॉइस मेकिंग का, अब थोड़ी आवाज कम कर लीजिएगा अगर आपके साइड बहुत ज्यादा स्पीकर फट रहा है तो। इट इज एन एक्ट ऑफ मेकिंग चॉइसेस। सर आपके पास जब ऑल्टरनेटिव अवेलेबल रहते तो अपन बोलते हैं डिसीजन। डिसीजंस आर मेड इन अकॉर्डेंस विद गोल, जो इंग्लिश में अच्छा है वो समझ में आ जाएगा उसको। डिसीजन आर मेड इन अकॉर्डेंस विद गोल। सर जो डिसीजन है ना वो गोल्स के बेसिस पे बनाए जाते हैं। डिसीजन आर मेड इन अकॉर्डेंस विद गोल। गोल्स आर ट्रांसलेटेड इन टू डिसीजन। सर डिसीजन जो है वो गोल से आता है, और गोल क्या करता है? गोल से डिसीजन बनते हैं। डिसीजन जो है वो गोल से आता है, और गोल से क्या आता है? डिसीजन। सर डिसीजन जो है वो गोल से आता है, और गोल से क्या निकलता है? डिसीजन। सर कितना सिंपल, एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, गोल से बनते हैं डिसीजन, पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर दैट। तुमको याद रखने की जरूरत नहीं सर, पहले गोल फिर डिसीजन फिर पॉलिसी। GDP पॉलिसी एमिनेट्स फ्रॉम डिसीजन, पॉलिसी का उत्पन्न होता है डिसीजन से,
एंड डिसीजन बनते हैं गोल से. इन ऑर्डर टू टेक डिसीजन देयर मस्ट बी मोर देन वन एक्शन. सर ये तो पढ़ चुके अपन. विदाउट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन यू डोंट हैव टू टेक डिसीजन. डिसीजन तभी आता है जब ऑल्टरनेटिव चॉइसेस अवेलेबल रहती है. तो अगेन इट्स वेरी सिंपल सर, गोल्स से बनते हैं डिसीजंस और डिसीजन से बनती है पॉलिसी, पॉलिसी निकलती है डिसीजन से और डिसीजन रहते हैं गोल्स के इनलाइन. बात समझ में आई होगी आपको. थैंक यू सो मच. आइए जी बढ़ते हैं आगे सबसे अद्भुत पार्ट के ऊपर, एलपीजी पॉलिसी, या फिर इसको कई बार जीपीएल पॉलिसी भी बोला जाता है. जीपीएल गोकुलधाम प्रीमियर लीग नहीं बेटा, जीपीएल मतलब गोकुलधाम प्रीमियर लीग नहीं. बचपन में आप सभी ये लोग चीज देख चुके हैं, गोकुलधाम प्रीमियर लीग, आईपीएल, जीपीएल. तो भैया एलपीजी स्टैंड्स फॉर नॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. या फिर बोलो सर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन. सर होता क्या है आप समझा दीजिए. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है धीरे 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 कंट्रोल छोड़ा जाए. आप में से कितने लोग नाइट आउट पर गए, याद करो वो दिन जब आप पहली बार नाइट आउट पर गए. आप एकदम नव, क्या बोलते हैं, जवान खून नाइट आउट पे जाने के लिए लड़का, पुट्टा एकदम रेडी है, पर पप्पा से फट रही है उसकी, पप्पा से फट रही है कि कैसे बोलूं कि मैं नाइट आउट पे जाने वाला हूं, मैं रात भर शहर घूमने वाला हूं. पप्पा, पप्पा के पास गया. पप्पा क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा तू बड़ा हो रहा है, मैं तेको हर चीज़ के लिए रोक नहीं सकता, अब मैं तेको करता हूं लिबरल. मैं तेरे ऊपर से कमांड थोड़ा थोड़ा हटाता हूं, पर तू मुझे हर दो घंटे में कॉल करेगा. आप बोलते जी पप्पा. तो बेटा क्या हुआ, कमांड पप्पा ने थोड़ा सा लूज किया पर रेगुलेशन रखा. तो कभी भी लिबरलाइजेशन आता है तो उसके साथ थोड़ी सी रेगुलेशंस आती है सर, थोड़े से कानून आते हैं, थोड़ी सी सख्ती कम करी जाती है तो कानून थोड़े से बनाए जाते हैं. तो लिबरलाइजेशन इज ऑलवेज पेयर्ड विथ रेगुलेशंस, ये चीज याद रखना. फिर सर प्राइवेटाइजेशन क्या का मतलब क्या होता है. प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जो चीज गवर्नमेंट के पास थी, पब्लिक सेक्टर, पीएसयू के पास थी, अब वो चली गई प्राइवेट सेक्टर के पास. इसके चार तरीके हैं. एंड सर ग्लोबलाइजेशन, सर वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, सबके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी जाए. एफडीआई को आने दो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आने दो, एफपीआई आने दो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई आने दो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, फिर प्राइवेटाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन, और फिर आज सर अपने को निधि को बॉम्ब से उड़ाना है. ठीक है, निधि को आज अपन बॉम्ब से भी उड़ाने वाले हैं. ठीक है भैया, तुम समझ जाना वो अपना शॉर्ट फॉर्म है, नहीं तो तुम बोलोगे कौन सी निधि, किसको बॉम्ब से उड़ा रहे हो. हाँ जी पढ़ते हैं. एलपीजी पॉलिसी आई बेटा 1991, मनमोहन सरकार, सर मनमोहित कर लिया था उस सरकार ने उस समय. इट इज रिगार्डेड एज वाटरशेड डेवलपमेंट इन बिजनेस फैसिलिटेशन इन इंडिया. अंडरलाइन करेंगे बेटा वाटरशेड. अब ये वाटरशेड का मतलब क्या होता है, क्या आपने वर्ड सुना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सर आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस भी हो रही है और संभल के प्रोग्रेस हो रही है. सर यू आर प्रोसीडिंग विद कॉशन, बहुत अच्छी चीजें भी हो रही है लेकिन संभल के, सोच समझ के, इसको बोला जाता है वाटरशेड डेवलपमेंट. तो ये वर्ड आपको याद रखना है, इट इज कंसिडर्ड एज वाटरशेड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ भी हो रही है लेकिन संभल के. अब भाग नहीं रहे हैं. लिबरलाइजेशन, लिबरल करना मतलब कंट्रोल छोड़ना, कमांड छोड़ना. लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी रेफर टू द ग्रेजुअल, सर धीमे 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 डिक्रीज इन गवर्नमेंट कमांड एंड कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक पॉलिसी. लिबरलाइजेशन इज ऑलवेज पेयर्ड विथ रेगुलेशन. यही तो बोला था मैंने, लिबरलाइजेशन कभी भी होगा तो उसके साथ आपको रेगुलेशन आएगी ही आएगी. विदाउट रेगुलेशन सर आपको ऐसा मौका छोड़ा नहीं जा सकता. जा बेटा जा, पांच दिन बाद भी आए हमें तेरी कोई परवाह नहीं. नहीं, हर दो घंटे में तू हमको कॉल करेगा, जब तेको बुला लेंगे आएगा, दारू पी तो मार खाएगा. तेको हम आजादी जरूर दे रहे हैं पर कुछ ना कुछ कानून है. तो लिबरलाइजेशन समझा, धीमे धीमे कमांड छोड़ देना. गवर्नमेंट अपना कमांड छोड़ देगा, अभी पूरा कस के पकड़ा था अब छोड़ देगा, लेकिन ध्यान रखेगा तुम्हारा. नेक्स्ट बेटा पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन का इतना ही दिया. अब बेटा पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सर हमारे को पैसा बाहर ले जाना है या फिर बाहर वाले को पैसा हमारे पास लेकर आना है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाए, इसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन. पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू टेकिंग आउट रिस्ट्रिक्शन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट ऑल्सो कवर्स मेजर ऑफ लिफ्टिंग ट्रेड बैरियर्स. सर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे
जो भी पॉलिसी रोकती थी मेरी कंट्री में बाहर का गुड्स आने देने के लिए, हटा दिए सर रिस्ट्रिक्शन, आओ बिंदास आओ बिंदास लेकर जाओ। सर जरूरी था, पैसा नहीं था मेरे देश में, मेरे देश में ना पैसा था ना टेक्नोलॉजी थी, जरूरी था इनको आने देना। तो लिबरलाइजेशन मतलब मेरी ही देश की जनता के ऊपर जो जबरदस्ती का कंट्रोल था वो लूज किया। ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर वालों को भी आने दिया। अब तुम पहला पॉइंट पढ़ना इस चैप्टर का, क्या बोला है सर, कितना मुश्किल है एक ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे धंधा चले लेकिन नेशन को भी नुकसान ना हो, कितना मुश्किल है सर ये काम। सर बाहर वालों को भी आने दे रहे हैं अपन, देश चले धंधा चले, नेशंस को सेक्रीफाइस ना हो जाए। बहुत हुआ है, तुम बदमाश कंपनी मूवी एक बार देखना अगर तुमने देखी होगी बचपन में, बहुत अच्छा बताया उसके अंदर कैसे एक्सप्लॉइट करते थे चीज़ों को। लिबरलाइजेशन कमांड लूज करना, ग्लोबलाइजेशन आने दो सर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आने दो आने दो आने दो। नेक्स्ट है सर प्राइवेटाइजेशन, मज्जा आ गए सर प्राइवेटाइजेशन में, तो मज्जा आ जाएगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जो PSUs होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ONGC, NTPC, कोल इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है आज भी। अगर ऐसी कंपनीज पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट सारी कंपनीज PSU ही थी, जितनी भी PSUs थे सबके सब लॉसेस में जा रहे थे, प्लस इनकी एफिशिएंसी भी खराब थी। तो सर प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट के पास जो कंट्रोल था PSU था, अब ये चला जाएगा प्राइवेट हैंड्स में। इसके चार तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पर प्राइवेटाइजेशन समझा सर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU थी जो गवर्नमेंट की थी वो चली गई प्राइवेट सेक्टर के पास। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, बेच दिया तो पैसा आ रहा है, साथ ही साथ जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी वो प्रॉफिट में आ जाएगी, तीसरा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि लेबर जो थी, जो एम्प्लॉयज थे, उनको डर था कि हमें कभी भी निकाल दिया जाए। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी प्राइवेट एम्प्लॉय से कम रहती है, फिर भी लोग प्राइवेट सेक्टर में डरे हुए रहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में डरते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है प्राइवेट सेक्टर में हमें कभी भी निकाला जा सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में कभी निकाला नहीं जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो तुरंत तुमको नौकरी, तुरंत तुम्हें छोकरी मिल जाती है। तो भैया गवर्नमेंट जॉब का ये बड़ा फायदा था, लेकिन अब गवर्नमेंट तो बेच रही है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी निकाल सकता, तो एम्प्लॉय के बीच में डर बैठ चुका था। तो मैंने बहुत अच्छे से स्टोरी बता दी आपको, पढ़ दें। प्राइवेटाइजेशन इट इज द प्योरेस्ट मीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट हैंड, गवर्नमेंट प्राइवेट हैंड्स में दे देगी। एडवांटेज क्या है सर, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, इनोवेशन रहेगा, कॉस्ट बचेगी और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है सर, एडवर्स इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉय मोरल एंड फियर ऑफ डिसलोकेशन एंड टर्मिनेशन, निकाल दिया जा सकता है सर उनको, ये बहुत खराब चीज़ है सर। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करने के चार माध्यम, सबसे पहला वाला सुनिए, डेलीगेशन। क्या आप कभी जिंदगी में क्लास के मॉनिटर बने हैं? क्या आपने कुछ स्टूडेंट्स का नाम बोर्ड पे लिखा है? क्या टीचर को जब प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाता था उस टाइम पे क्लास को आपने संभाला है? क्या आपने जिम्मेदारी का कभी एहसास किया है? अगर आपने ये जिम्मेदारी का एहसास किया है तो बेटा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी करी गई थी डेलीगेट। क्या वो क्लासरूम आपकी हो गई थी? नहीं सर, क्लासरूम तो टीचर का ही था, पर कुछ टाइम के लिए मुझे चलाने के लिए दिया गया था। तो सेम गोज इन प्राइवेटाइजेशन डेलीगेशन रोल। तो प्राइवेटाइजेशन करने के चार तरीके हैं। पहला तरीका है डेलीगेशन, गवर्नमेंट ओनरशिप अपने पास रखेगी, फुल्ली या फिर पार्शियली, जो भी अपने पास रखेगी प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए देगी। प्राइवेट सेक्टर अच्छा चलाएगा उसको प्रॉफिट देगी, प्राइवेट सेक्टर ने खराब चला दिया वापस ले लेगी। सर ये सेम है, बॉम्बे के अंदर सिस्टम रहता है कि वहां पे टैक्सी वाला रहता है, उसके पास ना हजारों नहीं सैकड़ों टैक्सीज रहती है बेटा, उसके पास सैकड़ों टैक्सीज रहती है। तो उसके बाद वो क्या करता है, लोगों को भाड़े पर देता है टैक्सी कि तुम एक दिन का किराया 1000 रुपए, तुम्हें जो चलाने जैसे चलाने चलाओ। तो क्या हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है, वो डेलीगेट कर रहा है किसकी, और टैक्सी ओनर की है। उसी तरीके से सरकार और कंपनी किसकी है, गवर्नमेंट की है, लेकिन चलाने के लिए उसको दिया है। ये भी एक तरह का प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट हैंड में दिया। दूसरा तो सर बहुत गंदा है, डाइवेस्टमेंट, डाइजेस्ट की तरह डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट में गवर्नमेंट सरेंडर कर देती है अपने शेयर, गवर्नमेंट सरेंडर कर देती है अपनी कंपनी, ले भाई तू चला मुझसे नहीं चलाई जा रही। तो ये बहुत खतरनाक वर्ड है सर, यहां पे गवर्नमेंट करती है सरेंडर, डाइवेस्ट में करती है सरेंडर। सर अगर वही डिसइन्वेस्टमेंट में है तो भी गवर्नमेंट सेल तो करती है, पर यहां पर सरेंडर कर रही है, मेरे से नहीं हो रहा तू ले जा, यहां पर मैं कर सकता हूं पर तू ले जा, फर्क है सर। डाइवेस्टमेंट बहुत हानिकारक है, यानी कि ये दिखाता है कि गवर्नमेंट निकम्मी है, नाकारा निकली। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अब मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं चला सकता हूं लेकिन मेरा आपको इंटरेस्ट नहीं रह गया, ले ले तू मुझसे। डाइवेस्टमेंट सरेंडर,
डिसइन्वेस्टमेंट, ले जा भैया मुझसे ले जा, बेच, मैं बेच रहा हूं तू खरीद ले। डिसप्लेसमेंट, बेटा डिसप्लेसमेंट मतलब किसी को किसी जगह से हटाना, डिसप्लेसमेंट। प्राइवेट सेक्टर कई बार इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट सेक्टर उसके सामने छोटा हो जाता है। क्या तुमने टॉम एंड जेरी का वो कार्टून देखा है कि भैया ये जेरी है और ये टॉम है, ये जेरी है और ये टॉम है, सडनली जेरी एक पोशन पी लेता है, कुछ तो भी दवाई पी लेता है और वो सडनली इतना बड़ा हो जाता है। सर सेम, इस बार मैंने पब्लिक सेक्टर को खरीदा नहीं सर, सर इस बार मैंने पब्लिक सेक्टर को खरीदा नहीं, पर मैं प्राइवेट सेक्टर ही इतना बड़ा हो गया कि ऑटोमेटिकली मेरे सामने चिंदी हो गया सर। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरी पावर आ गई, कमांड आ गई। चार तरीके बेटा, वापस रिपीट नहीं करूंगा। सबसे पहला है डेलीगेशन, मेरा ही है तू चला ले। गवर्नमेंट कीप होल्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट सेक्टर हैंडल फुल्ली और पार्टली द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। डाइवेस्टमेंट, सरेंडर करती अपनी ओनरशिप, गवर्नमेंट सरेंडर पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल मेजोरिटी स्टेक टू द प्राइवेट एंटिटीज। डिस्प्लेसमेंट, प्राइवेट सेक्टर बड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट सेक्टर छुटकू हो जाता है, मार्केट से बाहर हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर एक्सपांड एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेस, हटा देता है। डीरेगुलेशन फैसिलिटेट्स प्राइवेटाइजेशन इफ इट एनेबल्स द प्राइवेट सेक्टर टू चैलेंज द गवर्नमेंट मोनोपोली। यानी कि कुछ नहीं सर, गवर्नमेंट को निकाल सकते हैं मार्केट के बाहर अगर गवर्नमेंट मोनोपोली कर रहा है ज्यादा ही। और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बेच रहा हूं, सेलिंग द पोर्शन, सेलिंग द पोर्शन। तो सर डाइवेस्ट और डिसइन्वेस्टमेंट फर्क क्या है, यहां पर सरेंडर कर रहे हैं, यहां पर बेच रहे हैं। अच्छा, इंडिया को क्या जरूरत पड़ी प्राइवेटाइजेशन की, मैंने आपको बता दिया। इनको चाहिए था रेवेन्यू, साथ ही साथ इनको एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ानी थी और लॉसेस से रिकवर करना था। व्हाई इंडिया नीडेड प्राइवेटाइजेशन, टू मेन ऑब्जेक्टिव, पहला रेज रेवेन्यू और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना था। अब मैं ले रहा हूं आपकी 5 मिनट डाउट, मैं आपकी 5 मिनट डाउट लूंगा क्योंकि उसके बाद बहुत चिल्लर पार्ट है, मैं वन स्ट्रेच में कंप्लीट करूंगा। तो आपकी कोई डाउट है तो आपको सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं बेटा, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे। यहाँ तक कोई पॉइंट है तो मुझसे पूछेगा, इररिलेवेंट मत पूछेगा, चैप्टर कंप्लीट करना है, टेस्ट मैं आपके लिए ले रहा हूँ, दिल खोल के खर्च कर रहा हूँ आपके लिए। अच्छा लाइव चैट चालू ही थी क्या तब से? अच्छा लाइव चैट कब से चालू थी? फ्रेंड्स के नाम लिखते हैं कभी। अच्छा लाइव चैट चालू थी, आई डिडंट नो दिस। चलिए, मैंने ऊपर की चैट पे ध्यान नहीं दे सकता, मेरा ध्यान नहीं था, मुझे लगा चैट बंद थी, मैंने कुछ और ही बंद कर दिया था। सर पॉइंट 8D, ओके 8D का पूछा जा रहा है मुझसे। 8D परमिशन वॉज ग्रांटेड टू NRIs, NRIs मतलब जो इंडिया का बंदा है लेकिन इंडिया में रहता नहीं, वो बाहर जाके काम करता है, उसको बोला तू तेरा पैसा, या फिर फॉरेन कंपनी को बोला तुम भी पैसा लगा सकते हो, पूरे की पूरी कंपनी इंडिया में तुम ओन कर सकते हो, 100% शेयर तुम्हारा, लाओ पैसा लगाओ पूरी कंपनी तुम्हारी। व्हाट इज फिस्कल? फिस्कल मींस, देखो अलग अलग तरीके से उसको पढ़ा जाता है, फिस्कल पॉलिसी बोल रहे हो या फिस्कल डेफिसिट बोलते हो। तो फिस्कल इज बेसिकली रिलेटेड टू गवर्नमेंट बजट, फिस्कल पॉलिसीज रहती है, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। फिस्कल पॉलिसी नाम का पूरा चैप्टर तुम्हें इंटर में है। सर नींद आ रही है, क्या करूँ, सो जाओ बेटा। प्रतीक सिंह नींद आ रही है, सो जाओ। ग्लोबलाइजेशन बता दो सर, बताया ना ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल क्या रे, तुम कितने उतावले रहे सच में, मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने अभी बोला ग्लोबलाइजेशन आगे आएगा डिटेल में, बता दो ना, मतलब मैंने कब मना किया, पहले जितना पढ़ा है उतने डाउट पूछो ना। सिंगल ब्रांड रिटेलिंग का एग्जाम्पल, यानी कि वॉलमार्ट को बोला गया तू एक ही ब्रांड बेच, या फिर तुमको बोला गया कि पेपे जींस को बोला गया सिर्फ पेपे जींस बेचना, तो तुम्हें 100% अलाउड है। लेकिन पेपे जीन्स रख रहे हो, लेवाइस रख रहे हो, फिर अरमानी रख रहे हो, तो भैया 51%। मल्टी ब्रांड है तुम्हारा 51%, सिंगल ब्रांड है 100%। अंकित जैन पता नहीं, न्यूमेरिकल मैराथन कब है पता नहीं। सर BSNL इज डिस्प्लेस, यस BSNL इज डिस्प्लेस, ऑल क्लियर। बेटा थोड़े अच्छे डाउट पूछो ना कम से कम, ताकि मजा आए, क्या बचकानी चीजें पूछते हो। सर आप हमारा मुंह बंद करा के भूल गए, मुंह बंद करना भूल गए। सर मल्टी ब्रांड सिंगल ब्रांड बता दिया, व्हाट इज फिस्कल बता दिया, डिस्प्लेसमेंट कन्फ्यूजन, अब भी एग्जांपल दिया BSNL छुटकू सा, इतना सा है BSNL। कैसे सर, BSNL एक टाइम बहुत बड़ा था, तो BSNL को खरीदा नहीं चाहिए उन्हें, लेकिन जियो इतना बड़ा हो गया कि उसके सामने BSNL बहुत छोटा लग रहा है। प्राइवेट सेक्टर आ गया सर, टेलीकॉम के अंदर प्राइवेट सेक्टर आ गया पूरा एक तरह से।
डीरेगुलेशन, किसकी पूछ रहे हो आप मुझसे, सेकंड लाइन डिस्प्लेसमेंट का सेकंड लाइन, डीरेगुलेशन फैसिलिटेट्स प्राइवेट सेक्टर इफ इट एनेबल्स प्राइवेट सेक्टर टू चैलेंज गवर्नमेंट मोनोपोली. सर बीएसएनएल की मोनोपोली हो रही थी, तोड़ दी मोनोपोली. कैसे तोड़ी, खरीदा भी नहीं उसको. सर गवर्नमेंट से मांगने जाते बीएसएनएल दे नहीं देता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने इतना बढ़ दिया कि गवर्नमेंट की मोनोपोली तोड़ दी. गवर्नमेंट और ऑटोमेटिक रूट में मैंने क्या बोला, ऑटोमेटिक यानी कोई परमिशन की जरूरत नहीं, तू क्लास में कभी भी घुस सकता है, कभी भी निकल सकता है, ऑटोमेटिक है. और अप्रूव्ड रूट यानी गवर्नमेंट रूट में परमिशन लेके आना है. बेटा क्या चिल्लर डाउट पूछ रहे हो, हैव सम लेवल ऑफ डाउट, हैव सम लेवल ऑफ योर डाउट्स. डाउट का कुछ तो लेवल रखो, थोड़ी इज्जत रखो डाउट की. अरे बेटा डाइवेस्टमेंट के एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा. बेटा ये कौन सा लेक्चर है, फास्ट ट्रैक चल रहा है ना, तुम एग्जाम्पल तो मत मांगो कम से कम. अच्छी जेन्युइन डाउट रहेगी तो मैं ध्यान दूंगा. सर कौन कौन सी कंपनी पीएसयू में अभी भी इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे इस पर. आइडिया एंड वोडाफोन को भी मार्गी करना पड़ा, मार्गी नहीं बेटा मर्ज की स्पेलिंग सही लिखो. LIC इज डिसइन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, नहीं पूरी तरीके से नहीं है. LIC अभी भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है बेटा उस पर. सर इसमें अशोक गुप्ता वंश, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर वाला पॉइंट बताओ. क्या बोल रहे हो भाई, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. आई डोंट नो तुम्हारा ये क्या पॉइंट है भाई, आई डोंट नो. अपना जीके वीके इतना नहीं है अपना. अशोक गुप्त वंश, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर वाला पॉइंट क्यों ऐसा करते हो, तुम बच्चे हो क्या, छोटे बच्चे हो क्या. लड़कियां कितने सेंसिबल चीजें पूछती है और लड़के कुछ भी पूछते रहते हैं. सर डाइवेस्टमेंट में पार्शियल सेल ही होता है, कंप्लीट सेल दोनों अलाउड है, दोनों अलाउड है. सर एक आउट ऑफ क्वेश्चन है यूटीआई का, क्या था बाद में बताते हैं. यूटीआई का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के लिए नंबर दिया है ना तुम्हें. मर्जर में दो कंपनीज एक साथ मिलती है और एक्विजिशन में एक कंपनी दूसरे को खरीद लेती है. निवेदिता परफेक्ट आंसर. बुक में है सर इंट्रोडक्शन में, क्या बुक में है सर, क्या यूटीआई का क्या क्या है फैजान बुक में. ₹2006 में मल्टी ब्रांड को भी 51 था ना दिया ना भाई, तू पढ़ किधर है, ध्यान किधर है तेरा, ध्यान किधर है भाई, ये क्या है. फर्दर 100% सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड को 51% बोला ना, कहाँ ध्यान है आप लोगों का. क्या बोल रहा था, होलसेल को 1997 में 100% मिल गया, 2006 में रिटेल को 51% मिला, 2012 में अमेंडमेंट आ गया कि 51 की जगह 100% कर दिया और मल्टी ब्रांड को 51 कर दिया. तुम पढ़ क्यों नहीं रहे. सर 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया तो फिर कुछ फॉरेन कंपनीज इंडिया में तो पहले से ही थी. मैंने ये कभी नहीं बोला कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद फॉरेन कंपनीज आई, फॉरेन कंपनीज पहले से ही आती थी पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, इसलिए नई कंपनीज आने के लिए मना कर रही थी और पुरानी कंपनी भी छोड़ के जा रही थी. ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी कहने का मतलब यह है कि अब तुम्हारे पर जितने भी बैरियर्स थे, पहले तो जितने आए थे वो बैरियर्स में काम कर ही रहे थे, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी में बोला गया नए वालों के लिए और पुराने वाले के लिए जितने हैं उनके लिए बैरियर्स हटा दिए गए हैं. थैंक यू इंद्रेश, थैंक यू सो मच भाई, भाई का प्यार है अपना, टीचर स्टूडेंट वाला. सर प्लीज क्रिएट डेडिकेटेड वीडियो फॉर ऑल शॉर्टकट ऑफ चैप्टर 3. क्या बात है, क्या बात कही तूफान. ये जो चीज मैं 3 दिन पहले अनाउंस कर चुका हूं, डेडिकेटेड डिटेल खतरनाक भाई, बोल चुका हूँ. तुम कब आते हो, अब क्या रोज का रिकैप थोड़ी सर, कहानी घर घर की थोड़ी चल रहा है कि रिकैप आएगा, सास बहू को गिराएगी, बहू गिरेगी, 3 दिन तक लटकी रहेगी, फ्राइडे के लास्ट एपिसोड में मंडे को आके सब रिपीट होगा, सब बोल चुका हूँ. सर जियो सिंगल ब्रांड रिटेलिंग है या मल्टी ब्रांड रिटेलिंग. बेटा तू जियो के नाद में काय को लग रहा है, अरे ये तो फॉरेन कंपनीज का था बेटा. अरे भाई साहब
ये जो परमिशन है बेटा, एफडीआई की बात कर रहा है फॉरेन। जियो क्या फॉरेन वाला है क्या? जियो फॉरेन वाला है क्या बेटा? जियो के केस में क्यों आ रहा है? वो 100% है उसका। अरे वो हिंदुस्तानी बच्चा है सर, वो अपना बच्चा है। ये एफडीआई है, किसका बच्चा है ये? तुम देखते हो ना तुम्हारा निब्बा निब्बी, किसका बच्चा है ये? सर इंडिया का अच्छा बच्चा है सर, एफडीआई बोल रहे हैं। तुम क्या भांग पी करा रहे? कह रहे अरे तुम भांग चाटते हो, कह रहे मेरे को समझ में नहीं आता। 51% दे रखा है। जियो किसका बच्चा? अबे इंडिया का ही बच्चा, ये एफडीआई की बात कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे ले भैया, तुम क्या बात करते जी? और अपने को समझ नहीं आता सर, लाइव स्ट्रीम का टाइमिंग क्या है? 8 से 9 होता है और 9:30 से 10:30। बस क्वेश्चन पूछा जी, मेला बच्चा। हाँ तेला बच्चा है वो। किक्का बच्चा है? तेला बच्चा है। तेले बच्चे को चमाल, सस्ते नशे। अरे तुम्हें सस्ते नशे का एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक सस्ते नशे का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी क्लास में, मेरी थर्ड या फोर्थ नहीं, मेरी सेकेंड बैच थी। सेकेंड बैच में मेरे पास इंटर में कितने स्टूडेंट थे? 27 बच्चे थे। तो क्या है ना, क्लासरूम छोटा था। 2 मिनट, अभी अपने मम्मी पापा का बच्चा है तो इसका मम्मी पापा कौन है? इसका मम्मी पापा इंडिया है ना। जियो का मम्मी पापा कौन है? इंडिया है ना। तो एफडीआई सर, एफडीआई क्यों ला रहे हो सर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सर, फॉरेन वर्ड आ रहा है सर, फॉरेन सर, फॉरेन तो इंडिया है। अरे सर जियो तो इंडिया है ना, फॉरेन को कैसे ला रहे हो? अब सुनो, अगर तुम अभी टाइप करोगे तो सस्ता नशा नहीं बताऊंगा। एक हिस्टोरिक स्केच, ये पॉइंट है सर चैप्टर में, ये बच्चा है सर इसका, ये सर हिस्टोरिक स्केच, ये पॉइंट है सर। ओ मेला बच्चा, देखो इसका बच्चा निकला। ए तुम लोगों को सुनना है क्या? अरे शॉन्टू पपलू अब सब चुप रहोगे। अगर किसी ने भी कुछ बोला चू चा ची पू पा किया, नहीं सुनाऊंगा। सस्ते नशे का एग्जाम्पल सुनाता हूं तुमको। सर मत करो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लात मारो पेट में अपने, कूद पड़ो। क्या जहर वीडियो आते, किसका बच्चा है? अरे उसकी माँ का बच्चा है, उसके पप्पा का बच्चा है, मेला बच्चा है। तू अंडे में से निकली नहीं अब तक, अबे उगी नहीं है अब तक, बड़ी हुई नहीं। किसका बच्चा है ये? वो भी एड़े जैसा, मेरा तुम्हारा बच्चा है। अरे माँ ने इतने साल से पाला उसका, कुछ नहीं टिकटॉक के लिए, मेला बच्चा है। अरे 2 रुपए का तो महंगा हो गया, मैं तुझे फ्री का नशा सुनाता हूं। अच्छा आप कोई कुछ नहीं बोलेगा सर, एक बार सर्च करो शॉन्टू पपलू क्लास के बाद। शॉन्टू पपलू मालूम है ना मेरे को, हर्ष बेनीवाल, हर्ष बेनीवाल और दूसरा क्या नाम है उसका, मालूम है मेरे को, पूरब, पूरब और हर्ष बेनीवाल। अब मेरी बात सुनिए, अब 2 मिनट है ना। अच्छा तुम लोगों का खाना हो गया होगा अज्यूम करता हूँ, नहीं तो शायद खाना भी नहीं जाया तुम्हारे पेट में। अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा यहाँ पे। अभी तुम टाइप करोगे, अब किसी ने टाइप किया तो बाकी लोग तुम हैंडल करो उसे, मैं नशा नहीं सुनाऊंगा। एक तीन गिनने के बाद किसी ने टाइप किया, मैं नहीं बताएगा, और बाकी लोग जिसकी गलती है तुम उसको लपेट लेना। 1 2 3, अब किसी ने टाइप किया, मैं भैया हीना दुआ ने टाइप किया, अब मैं नहीं सुना रहा, मैं नहीं सुना रहा। नहीं, कैरी ऑन, कैरी ऑन कैसे करेंगे अपन, बात कर रहे हो तुम। ऑप्शन सर मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरी सेकंड बैच थी सीए इंटर की, तो 27-28 कुछ बच्चे होंगे, एग्जैक्ट काउंट याद नहीं है। पढ़ाना जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, तो हम तो भैया पोडियम पे रहते हैं, स्टेज रहता है, तो हाइट हमारी काफ़ी ऊपर रहती है, तो हमें सारे स्टूडेंट्स दिखते हैं। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लोग जगह शफल करते रहते हैं अपने हिसाब से। जो पहले आगे आगे बैठता था, जो आगे बैठता था, जो पहले जगह चेंज करते थे। तो भैया उसमें एक लड़की थी, ठीक है, तो वो लड़की का अलग नशे थे भैया, अलग नशे। मैं जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने दूँ, ऐसे ये डेस्क रहता है ना, डेस्क पर सिर रख लेती थी, डेस्क पर सिर रख लेती थी, और मेरे को तो भैया सब दिखता था। तो उसका वो जो पैर है ना, अब ये पैर कैसे दिखाऊँ तुम्हें, दिख रहा होगा, ये पैर है भैया, अपना पैर है, मेरा पर्सनल पैर है। तो ये पैर के पास ना वो सॉक्स पहने रहती थी, और पैर के पास बिल्कुल नाक ले जाती थी। मैंने बोला एक बार सिर दुख रहा होगा बेचारी का, 2 बार 3 बार 4 बार देख रहे हो तो मेरे को पता चला सॉक्स सूंघती है अपना। और ये भी नहीं, खतरनाक बताता हूं आगे, जब मैं पढ़ाता था तब क्या करती थी वो, एक रुमाल रहता था, रुमाल सॉक्स के ऊपर दबाए रखती थी, रुमाल सॉक्स पे दबाए रखती थी, ठीक है। और बाद में जैसे ही मैं कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा, रुमाल लेती थी
मैंने बोला अरे गजब माँ तू। उसने कन्फेस किया कि हाँ सर मेरे को नशा है इसका, गंदे मोजे की स्मेल का नशा है, सस्ते नशे में की भी हाइट है सर ये, सस्ते नशे की भी हाइट है। आप किसी का खाना नहीं होगा तो भाई मैं नहीं जानता, आपने आपके रिस्क पे सुना। छोड़ो आज का खाना, मेरे को तो आदत पड़ गई है, मेरे को तो आदत पड़ गई है। अरे मारकर सूंघने वालों का नशा, कॉफी, कॉफी रहती है ना अच्छी कॉफी, कॉफी खाने वालों के नशे, कड़वी कॉफी, नशा चढ़ जाता है सर, खतरनाक नशा चढ़ जाता है लोगों को, नशा मतलब हैबिट पड़ जाती है। एक्स कर रहे, अरे तो सोचो ना, तू तो 2 रुपए के नशे की बात कर रहा था नरेंद्र, यहाँ पे तो फ्री में सॉक्स भी धोने की जरूरत नहीं, जितना पुराना सॉक्स उतना तेज नशा, क्या नशा लगता होगा उसको, मजा आ जाता होगा जिंदगी में, सोमरस की भी जरूरत नहीं इनको, खतरनाक मजे करो सर। कमलेश फीमेल अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस, यस यस सर, वो लड़की मैसेज करेगी आपको, नहीं वो अब तो पास हो गई है, वो कहाँ देखने वाली है वीडियो। उसको कहाँ पता चलने वाला है। मैं कर रहा था, जैसे तुम सोचो एक टीचर के ऊपर कितनी बीतती है, कितना बीतता है टीचर पे, वो क्या क्या देखता है, तो भी रिकॉर्डिंग चालू है सामने, उसको चुप रहना पड़ता है, पेन ड्राइव में तो मैं इधर उधर की बात तक नहीं करता, टू द पॉइंट, ये सामने क्या क्या चल रहा है। अरे भैया लोगों के बड़ी अजीब अजीब चीजें चलती, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मेरे को तो भैया पूरा मैक्रो व्यू दिखता था, सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या हरकतें कर रहे हैं, उनको लग रहा है सर को पता नहीं, उसके बाद नोटिस करने के बाद चुप रहना सर। कुछ लोग सोचते हैं वो पीछे बैठ रहे तो दिख नहीं रहा उनको, चालू है उनका नाक में उंगली चालू, फिर देखते हैं क्या निकला, अबे खजाना थोड़ी निकलेगा उसमें से, पूरा खोद देते हैं नाक को, टीचर को कितना ग्रोस लगता है। मैं को लेक्चर के पहले खाना नहीं खाता, बाद में भी खाना नहीं खाता, पता नहीं क्या ढूंढ के निकालते खजाना, उसके बाद खजाना करते हैं ट्रांसफर एक दूसरे पे, छी कितना खराब भाई, कितना खराब, वो भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, इतना ऐसी हालत हो जाती थी। और बाद में अपन लेक्चर के बाद उनको क्या बोले, तू ये कर रहा था, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो कुछ टीचर्स लोगों ने अपने ब्रोशर में, अपनी बुक के फ्रंट पेज पे लिखा था टू डू एंड नॉट टू डू, नॉट टू डू में नो स्पीकिंग अलाउड नहीं है, नाक में उंगली डालना ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे क्लासेस में, भैया वो बेंच के नीचे चित्रकारी कर देना, च्विंगम चिपका देना। अरे कुछ लड़के तो विचित्र, लड़की सामने बैठी है उनकी फ्रंटी के बेस्टी है उनकी, उनके बालों के साथ खेल रहे हैं, अरे तुम सोच रहे हो टीचर पे क्या गुजर रही है, अरे टीचर पढ़ाने पे ध्यान होते हैं, तेरे को रोके क्या बोलो, ये भाई उस लड़की के बालों में हाथ मत डाल, बाल सवार रहे उसके, ए तू तो मत करना उसका, वो लड़की उसको तंग कर दे, और मैं यहाँ पे मैं क्या जॉब छोड़ दूँ, तुम्हारा चल रहा है नहीं तुम ही कर लो, मैं तो जॉब छोड़ देता हूँ, ऐसी हालत हो जाती थी। नाक में उंगली डालने वाले टीचर भटक, क्या बालों से खेल रहे तुम लड़की के, साला यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे टेक्निकल कॉन्सेप्ट की हाइट पर है सर, अपन समझो टेक्निकल कॉन्सेप्ट की एकदम एपिटोम पर पहुंच चुके हैं कि सर ये ग्राफ इसको यहां से कट करने वाला है, उसको ग्राफ कट करने से मतलब नहीं, ला 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 तुम मत करना, ला 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 तुम मत करो, ला ला ला, और टीचर मैं तो जॉब ही छोड़ देता हूँ सच में, तुम लोगों का ये चल रहा है। क्या गंदे बच्चे तुम सब भी, तुम में से कोई ना कोई होगा वैसा, क्या गंदे कर रहे हैं, खतरनाक होता है, चकरा जाता है दिमाग, चकरा जाता है। सर मैं कल से नहीं बैठूंगा क्लास में, मत बैठ भाई, मैंने कब बुलाया, मैंने तो बुलाया ही नहीं, मत आओ। ओ सर टीचिंग तो ठीक है, पार्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडी चालू कर दे, यस ला ला ला, निब्बा निब्बी से दूर जीवन में खुशी भरपूर, यस सर। सर नाइट में जागने के लिए कॉफ़ी पिल्स ले सकते हैं, मत करो रे, नशा किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है, मैं नशे नहीं करता, मैं इतना थका हुआ रहता हूँ कि मेरे को तुरंत नींद आती है सर। अरे भावना कुछ नहीं है, हर बैच के अंदर ना कोई नाम जोड़ देते हैं, ये मुझसे पूछते हैं सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या, सर आपकी शादी हुई है क्या, बोलते नहीं शादी वगैरह नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड पूछ रहे, मैं बोलता मैं पर्सनल लाइफ बताता नहीं, तो हर बैच अपने जाने को एक नया नाम क्रिएट कर लेता है। और ये बैच में नाम कब क्रिएट होता था, जब मैं बैच में नहीं रहता था, दूसरे टीचर्स के साथ मिलकर नाम क्रिएट करते थे, ठीक है, हर टीचर का नाम। चलिए स्टार्ट करें,
वो एक बैच में भावना नाम रखा है, एक बैच में जासमीन नाम रखा है, एक बैच में पता नहीं क्या क्या नाम रहता है, मेरे को ही पता नहीं। मुझे है सर नशा आपके लेक्चर का, गंदा नशा है ना। अच्छी बात है सर। आपका स्टाइफंड कितना था? 18,000, 25,000, 27,000। सर हाँ सर, पुट योर व्यू ऑन राहुल गांधी। बहुत अच्छे हैं राहुल गांधी, रागा माशाउल्ला माशाउल्ला सर, इतने अच्छे आदमी हैं वो। अपन क्या बात करें, अपन छोटे लोग हैं। टेक्नोलॉजी सर, सर नाउ यू डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा आई नो व्हाट आई एम डूइंग। चलिए जी, तो भैया ये माशाउल्ला, अपन क्या अपन टेक्नोलॉजी में पीछे हैं सर। उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, दी नहीं उन्होंने अब तक मार्केट को। आलू डालो सोना निकलता है, टेक्नोलॉजी है सर। अरे सर क्या टेक्नोलॉजी है सर, टेक्नोलॉजी सर। रात में नींद आती है तो थोड़ा सा कॉफ़ी, अरे कॉफ़ी वैसे पी, कॉफ़ी बीन्स खाने की आदत मत डाल। अभिनव पांडे, अरे बस सर राहुल गांधी आप से अच्छा बर्दाश्त नहीं हो रहा। राहुल गांधी अच्छे आपसे सुनना, अरे बस सर राहुल गांधी अच्छे आपसे सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ अच्छा वैसे बोल रहे हो। हाँ जी चलिए जी। अरे भाई खतरनाक बोलते हैं। हाँ जी चलिए, अब निधि को बॉम्ब से उड़ाएंगे। आई मीन निधि को नहीं, निधि की स्टोरी को बॉम्ब से उड़ाएंगे। आइए सर स्टार्ट करते हैं खेला का, लास्ट पार्ट खेला का। हाय सर ग्लोबलाइजेशन, नाउ वी आर गोइंग टू स्लिप इनटू द टॉपिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सर ग्लोबलाइजेशन म्हणजे काय असते सर? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बाहर की कंट्री से आने वाला पैसा, बाहर की कंट्री में जाने वाले पैसे पे जो रिस्ट्रिक्शन थी, कंजर्वेटिज्म था, हटाओ, इकोनॉमी को खोल दो, इसको एक ग्लोबल विलेज मान लो। ग्लोबल विलेज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। आइए सर, तो सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन यानी बाहर से आया हुआ पैसा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। यू ऑल लिब्बा निबीज प्लीज लिसन टू माई स्टोरी। सर ये क्या है? ये है उसा, यूएसए। सर ये क्या है? हमारा प्यारा इंडिया, ये मेरा इंडिया। अभी तुम लोग देशद्रोही बोलोगे सर इंडिया छोटा बना ले मैंने बढ़ा दिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, वतन मेरा इंडिया। सर यहां पर एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर पॉल, मिस्टर पॉल। मिस्टर पॉल एक कंट्री के हैं, उसा कंट्री के हैं, तो इन्हें बोला जाएगा रेसिडेंट ऑफ होम कंट्री। और जहां पे ये मिस्टर पॉल पैसा लगाना चाहते हैं सर, देखो जंप मारी सर इसने, दुक 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 दुन 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 दुन। सर ये आए अपनी होम कंट्री से और आ गए होस्ट कंट्री में। होस्ट मतलब सर वो जगह जहां पे ये अपना कब्जा करेंगे। नॉट कब्जा लाइक इंडियन टोबैको कंपनी, नॉट कब्जा लाइक ईस्ट इंडियन कंपनी। सर यहाँ पे आप पे धंधा चलाएंगे। सर इनकी टांग रह गई, लेट मी ट्रांसफर इस टांग। ओके सो सर व्हेन रेसिडेंट ऑफ होम कंट्री इन्वेस्ट इन असेट्स एंड ओनरशिप। सर एसेट यानी रियल प्लांट एंड मशीनरी, या फिर किसी कंपनी के शेयर अक्वायर कर लेता है होस्ट कंट्री में। क्यों करा सर इसने कांड? टू गेट OCM, ओनरशिप कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन आपको कोई नहीं बता सकता, ये डेफिनेशन मुझको पता है, मैं इंटर का टीचर हूं इसलिए आपको बता पाता हूं मैं। तो भैया हो गया FDI। FDI क्या है? व्हेन रेसिडेंट सर, व्हेन रेसिडेंट ऑफ होम कंट्री, व्हेन रेसिडेंट ऑफ होम कंट्री यानी कि फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट इन असेट्स एंड ओनरशिप, यानी कि सर वस्तुओं में या फिर शेयर्स में इन्वेस्ट करता है होस्ट कंट्री के। किस लिए सर? ताकि उसको ओनरशिप मिले उस कंट्री की शेयर्स की, ताकि उसको कंट्रोल मिले, ताकि उसको मैनेजमेंट मिले। अगर आप किसी भी कंपनी में
10% या उससे ज्यादा, 10 or more%, ये भी तुमको नॉलेज कहीं नहीं मिलने वाला, 10 या उससे ज्यादा% शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आप FDI बन जाते हो। क्यों सर 10%? क्यों 10% इन्वेस्ट करना मतलब करोड़ों अरबों की बात रहती है, क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं है। अगर ये 10% से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब इसका धंधा चलाने का मतलब है। लेकिन सर अगर 10% से कम रहा तो उसको हम डाल देंगे FPI या फिर FII, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यानी कि सर ये कुछ ऐसे लोग रहेंगे, मिस्टर पॉल जैसे ही रहेंगे, पर मिस्टर पॉल इंडिया में आके शेयर्स अक्वायर करके उस कंपनी के धंधे में इंटरेस्टेड थे या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। लेकिन FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये भी मिस्टर पॉल जैसे ही हैं, ये भी इन्वेस्ट करते हैं 10% से कम, लेकिन इनका धंधा चलाने में कोई मतलब नहीं, रिटर्न मिला फुर। तो भैया ऐसा पैसा है ना FPI और FII का रातों रात आता है, उनके पास एक रिसर्च टीम बैठी रहती है, रिसर्च करती बोलती रिलायंस का स्टॉक ले लेते हैं, 10% शेयर ले लिए, रातों रात इंडिया में भयंकर पैसा, शेयर बढ़ गया 10-12%, बेच के निकल जाते हैं। तो इन लोगों को धंधा चलाने से मतलब है, इनको धंधा चलाने से कोई मतलब नहीं। पढ़ते हैं सर थोड़ी सी यहाँ पे लैंग्वेज सिंपल दी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसा इन्वेस्टमेंट ऑफ सॉरी टू एन एंटरप्राइज इन अ नेशन बाय अनदर एंटरप्राइज लोकेटेड इन डिफरेंट नेशन बाय कैप्चरिंग मेजॉरिटी स्टेक। मेजॉरिटी स्टेक यानी कि 10% से ज्यादा, डेफिनेशन है यहां पे मेजॉरिटी स्टेक की, आप मत बोलना सर 51%, FDI के केस में मेजॉरिटी स्टेक 10% बोला जाता है या उससे ज्यादा, इन अ कंपनी इन अ टारगेट कंपनी और बाय एक्सपांडिंग ऑपरेशन इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। सर मिस्टर पॉल के पास दो रस्ते थे, या तो फ्रेश पहली बार आए या फिर 5% इन्वेस्ट कर दे रिलायंस में और 1 साल बाद और 10% ले ले। तो सर देखो वो पहले साल सिर्फ 5% लेकर आया, वो क्या बन गया FII बन गया, लेकिन सर उसने अगले साल और 10% खरीद लिया, टोटल शेयर कितना हो गया सर 15, मोर देन 10 है, हाँ FPI था, हाँ FDI बन गया, हाँ। पर खतरनाक है सर ये, या तो तुम रियल में यहां पर आकर प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करो तो भी चलेगा, या फिर तुम शेयर्स में इन्वेस्ट करो उस कंपनी के 10% या उससे ज्यादा, वो भी FDI। सर यहां पर रियल इंटरेस्ट अपने को धंधा चलाने में। मिस्टर पॉल अगर पहले साल, ध्यान से सुना, मिस्टर पॉल अगर पहले साल रिलायंस के 5% शेयर खरीदते हैं उनको बोला जाएगा FII, अगले साल सेठ जी ने और 10% शेयर खरीद लिए, मोर देन 10% हो गया सर, पिछले साल का 5 इस साल का 10, FDI में आ गई। ये लाइन पढ़ो, मेजॉरिटी स्टेक इन ओनरशिप इन ए टारगेट कंपनी और बाय एक्सपांडिंग ऑपरेशन इन एग्जिस्टिंग बिजनेस, पहले 5% था, एक्सपांड करा और 10% मिल गया सर 15%। फॉरेन कैपिटल इज सीन एज हार्बिंजर ऑफ ग्रोथ। सर हार्बिंजर मतलब भोकाल, भोकाल है सर, तूफान है, खतरनाक है सर, ये हरिकेन है सर, तोड़ है, ताबड़तोड़ है, ये खतरनाक ग्रोथ लाता है, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड डिमांड। ऑब्वियसली मिस्टर पॉल आए इंडिया में, लैंड लिया, प्लांट एंड मशीन लगाई, धंधा सेटअप किया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट किया तो भैया पैसा आएगा उन लोगों के पास, पैसा आया तो डिमांड क्रिएट होगी। तो इसलिए FDI को कभी भी बुलाया जाता है, आओ सा पधारो सा, आओ मारे देश, पधारो मारे देश बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि साहब वो पैसा भी लेकर आते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को काम भी देते हैं। परमिशन फॉर FDI इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर। सीधी सी बात है सर, रिटेल के अंदर 100% अलाउ कर दिया तो तुम्हें क्या लगता है कि FDI रिटेल में 100% अलाउ कर दे तो क्या डिफेंस को भी 100% दे देंगे? बाहर वाले को बोलेंगे हाँ तू एटॉमिक एनर्जी सेटअप कर ले यहाँ पे, पाकिस्तान को बोला जाएगा तू FDI कर ले 100% की यहाँ पे, वो आएगा यहाँ पे अपने लोगों को भेजेगा जिनको क्या बोलते हैं स्लीपर सेल्स, वही उड़ा देंगे सर। तो ऐसा नहीं है कि सबको फुल परमिशन मिलती है, FDI के कुछ धंधों को परमिशन है, कुछ धंधों को परमिशन नहीं है, ये चीज याद रखना, सबको सेम परसेंटेज नहीं है। वेयर देयर इज नो अप्रूवल थ्रू ऑटोमेटिक रूट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास ऑटोमेटिक रूट है। बेटा दो प्रकार के रूट होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक, वापस से रिपीट करो, एक होता है गवर्नमेंट यानी कि अप्रूव्ड रूट। अगर ऑटोमेटिक रूट मिल गया बहुत चंगा भला, ऑटोमेटिक रूट नहीं मिला तो अप्रूवल लेने जाना किसके पास जाएगा? सर हम जाएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसके ऊपर MCQ बनता है। FIPB का फुल फॉर्म बताइए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। कहने का मतलब क्या है सर, लेट से मैं यहाँ पे कैमरा बनाना चाहता हूँ, मैं US का बंदा हूँ, मैं कैमरा बनाना चाहता हूँ, फिर मैंने इंडिया की ना LPG पॉलिसी खोल कर देखी, क्या कैमरा को ऑटोमेटिक अप्रूवल यानी बिना अप्रूवल के मैं यहाँ पे आके धंधा चालू कर सकता हूँ?
तो देखा नहीं। फिर मैंने बोला क्या करूँ, तो बोला एक काम कर तू FIPB के पास चले जा, यानी तू अप्रूव गवर्नमेंट रूट में चले जा, परमिशन मांग। तो मैंने बोला किसकी परमिशन मांगू, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के पास जा, उनसे परमिशन मांग, होगा तो दे देंगे। वेयर देर इज नो अप्रूवल थ्रू ऑटोमेटिक रूट द कंपनी कंसर्न हैज टू सीक परमिशन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो आज अपन ने क्या क्या सीखा सर, अपन ने हमने सीखा सर मीगा, फेरा, फेमा, FIPB, FDI, FII, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये 1973 से 1999 तक रहा, 1999 के बाद इन्होंने ऑपरेशन ले लिया FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। आगे पढ़ेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो भैया कुछ सेक्टर ऐसे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं सर, अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाले। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं सेठ, कुछ ऐसे सेक्टर्स, ओ माय गॉड, मैंने रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं करी, कोई बात नहीं सर, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे आपको ऑटोमेटिक अप्रूवल भी नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट अप्रूवल भी नहीं मिलने वाला। स्ट्रेट अवे बोल दिया इस सेक्टर में मुंह नहीं मारने का। कौन कौन सा सर, बहुत सिंपल है, एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी में FDI अलाउ कर दिया, पाकिस्तान आ जाएगा यहां पे सर। लॉटरी के बिजनेस में नहीं, क्योंकि इंडिया में रातों रात सबको करोड़पति बनना है, तो फॉरेन वाले ने यहाँ पे लॉटरी बिजनेस लेकर आ गए, गैम्बलिंग सट्टाबाजी का बिजनेस लेकर आ गए, तो इंडिया वाले सारा पैसा उसमें बर्बाद कर देंगे, फॉरेनर अमीर होकर निकल जाएगा। निधि कंपनी, निधि कंपनी क्या होता है बेटा, एक कंपनी रहती है जो मेंबर्स बनाती है 10, 15, 20, 25, उन्हीं से डिपॉजिट लेती है और एक दूसरे को लोन देती है, ठीक है। तो भैया फॉरेनर्स को ये भी अलाउड नहीं किया, नहीं तो बाहर से कोई फॉरेनर आ जाएगा, अफ्रीकन कंट्री से आते हैं सर, बहुत आते हैं, आप देखिए सबसे ज़्यादा फ्रॉड नाइजीरिया वगैरह के लोग करते हैं, तो सर वो लोग आते हैं यहाँ पे, वो लोग यहाँ पर आते हैं, अरे सर कैसे खतरनाक खतरनाक फ्रॉड, मैं आपको बता भी नहीं सकता, आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे फ्रॉड पॉलिटिशियंस करवाते हैं सर। वो यहाँ पे कंपनी खोलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से पैसा लेते हैं और बोलते हैं हम बहुत अच्छी कंपनी बना रहे हैं, हमारी पैसा लेते हैं रातों रात का है सर। ये वाला तो आपने देखा है, हमारे बेचारे, हमारा राजू फंस गया था सर इसमें, ठीक है। शाम को पता था कि भैया गोलमाल है, भाई सब गोलमाल है, लेकिन बाबू भैया भी लक्ष्मी चीट फंड के केस में फंस गए सर, याद है क्या आपको, 21 दिन में पैसा डबल, लक्ष्मी चीट फंड। सर क्या करते हैं सर, वैसे लोन वोन देने का, पैसा लेने का, बाद में 21 दिन में पैसा डबल करके देना, सर बहुत बुरा फंसे थे लक्ष्मी चीट फंड के अंदर। तीन लोग आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, राजू, अक्षय कुमार, शाम, सुनील शठ, सुनील शठ और सर बाबू भैया परेश रावल, बेचारे फंस गए थे। इसको तो इंट्यूशन भी आया था, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, लेकिन आखिरकार ये भी प्यार में फंस गया सर, अनुराधा के प्यार में, लक्ष्मी चीट फंड। यहाँ भी अलाउड नहीं है बेटा, एग्रीकल्चर में भी अलाउड नहीं है, क्यों सर, हमारा ब्रेड एंड बटर, हमारे देश की जनता का पेट उस पे पलता है, उस पे आके लात मारेंगे क्या? तो सर एग्रीकल्चर में अलाउड नहीं है, प्लांटेशन में भी अलाउड नहीं है, पर सर पर बहुत डराता है सर, एग्रीकल्चर में अलाउड नहीं है, प्लांटेशन में अलाउड नहीं है, पर फ्लोरिकल्चर, फूल उगा लो चलेगा, हॉर्टिकल्चर कर लो चलेगा, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पेसिकल्चर गूगल पे सर्च कर लेना, मीनिंग मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, फूल पत्ती मधुमक्खी इन सब से रिलेटेड होता है, गूगल पे सर्च कर लो, पता चल जाएगा, यहाँ पे कमेंट में पूछने से अच्छा गूगल पे सर्च कर लेना सर। फूल उगाना, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड सर, सीड अच्छे हाइब्रिड सीड उगाना, एनिमल हस्बेंड्री सर, एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल को हस्बेंड बनाना नहीं, जानवर पालना, पेस्कीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, मशरूम एक्सेट्रा यहाँ पे अलाउड है, अंडर कंट्रोल्ड एंड सर्विस रिलेटेड टू एग्री एग्रो एंड अलाइड, मतलब सर एग्रीकल्चर में अलाउड नहीं है, लेकिन उसके अंदर एग्रीकल्चर में फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड यहाँ अलाउड है, मशरूम उगा रहा है उगा सर। क्यों ऐसा एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में क्यों अलाउ किया गया, क्योंकि भैया एग्रीकल्चर में तो इसलिए मना किया गया मेरे देश के किसान का पेट मर जाएगा, लेकिन बाकी के चीजों में तो मेरा किसान है ही नहीं, तो एटलीस्ट वो आएंगे कुछ डेवलप करेंगे तो मेरी कंट्री डेवलप होगी। और सर प्लांटेशन भी अलाउड नहीं है, लेकिन सर टी प्लांटेशन में अलाउड है। सर कैसे याद रखना, सर देखो फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड, एनिमल हस्बेंड्री, पेसिकल्चर, कल्टीवेशन, मशरूम, सब याद रह जाएगा कि एग्रीकल्चर नहीं है लेकिन एग्रीकल्चर का कुछ हिस्सा है, और प्लांटेशन में टी है। कैसे सर, टी के लिए किसी को मना नहीं करते सर, ये आए थे अपने पास FDI वाले आए थे, बैठे थे,
तो पूछ रहे थे कि भैया तुम लोग तो अलाउ नहीं कर रहे प्लांटेशन में, तो बोले नहीं, पर वो बोले तुम्हारा तो कल्चर है कि सर अतिथि देवो भव, चाय के लिए तुम किसी को मना नहीं करते, तो क्या चाय भी नहीं आने दोगे क्या हमारी? तो हमने बोला ठीक है चल चाय के लिए अलाउड है, तो FDI भैया बाहर वाले को चाय उगाने देते हैं यहाँ पे अपने। सर हाउसिंग एंड रियल इस्टेट में नहीं आने देते, घर नहीं बनाना, रियल इस्टेट नहीं बनाना, TDR नहीं बनाना, ध्यान से सुन लो, रिपीट नहीं करूंगा TDR का मतलब क्या, किसी ने पूछा तो भी। बेटा लेट से आपने रोड बनाने का ठेका ले रखा है, तो आप लोग क्या करते हैं, एक बड़ी कंपनी है लेट से अशोका, अशोका कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, अशोका प्राइवेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, लेकिन पूरा का पूरा 500 किलोमीटर का हाईवे खुद नहीं बनाती है, 50-50 किलोमीटर के 10 टुकड़े सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लेती है। तो बोला गया ऐसे भी डेवलपमेंट राइट्स तुम नहीं ले सकते, तो फॉरेन वाला पूछा क्यों, क्योंकि बोला हमने तेरा चेहरा देख के दे दिया कि भैया तू गोरा आदमी है, तेरी चमड़ी गोरी है, मतलब तेरा काम बहुत साफ रहेगा, पर पता चला तूने सामने किसी को ट्रांसफर कर दिया तो भैया हम तो समझेंगे कि तू गोरा आदमी, तूने अच्छा काम किया होगा, लेकिन हम तेरे को ट्रांसफर करना अलाउ नहीं करेंगे, तेरे को डेवलपमेंट करना खुद कर, ट्रांसफर करने नहीं देंगे, हमने गोरा आदमी समझ के तेरे को दे दिया कि तू चिकना काम करेगा, पर साहब नहीं, पर साहब नहीं, तू ट्रांसफर नहीं करना, अगर तेरे को मिला है तो तू ही करेगा, ट्रांसफर है बल, राइट्स नहीं चलेंगे साहब। और सर सिगरेट और तंबाकू जन्य प्रोडक्ट में अलाउड नहीं है। सर एक बार रिपीट कर लेते हैं लिस्ट, एटॉमिक एनर्जी अलाउड नहीं, लॉटरी बेटिंग अलाउड नहीं, गैम्बलिंग अलाउड नहीं, निधि अलाउड नहीं, चिटफंड अलाउड नहीं, एग्रीकल्चर प्लांटेशन अलाउड नहीं, हाउसिंग रियल इस्टेट अलाउड नहीं, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट TDRs अलाउड नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, चिरोट, सिगार रोल, सिगरेट, ये सब आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा क्या होता है। सर याद करने की टेक्निक, अपनी फेवरेट टेक्निक आ गई। सर देखो, सर निधि नाम की एक लड़की थी, सर निधि ने चीट करके, CHEAT सर, चीट करके सर धोखे से अपना एग्रीकल्चर और हाउस को ट्रांसफर कर दिया। क्या किया सर निधि ने, चीट करके एग्रीकल्चर और हाउस को ट्रांसफर कर दिया, और जो पैसा उसको मिला उसने उससे सिगरेट ली, कहाँ गया सर, सिगरेट ली, लॉटरी खेली, गैम्बलिंग भी करी, सर पैसा मिला सिगरेट पी रही है, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग कर रही है, जैसे ही उसकी मम्मी को पता चला उसकी मम्मी ने उसको एटम बम मारा। सर क्या किया निधि ने, चीट करा, क्या करा सर चीटिंग में, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हाउस ट्रांसफर कर दिया, जो पैसा मिला उसने सिगरेट पी, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग करी, मम्मी को पता चला मम्मी ने एटम बम मारा, याद रखना। लास्ट 2 मिनट का पार्ट, FII मैं आपको बता चुका हूं सर, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि सर फॉरेन के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बिग इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर, FIR आर लार्जली फॉरेन ग्रुप्स विद सब्सटैंशियल, बहुत पैसे वाले सर, FIR रजिस्टर्ड अब्रॉड, ये रजिस्टर्ड रहते हैं, ये क्या करते हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, हेज फंड भी इन्वेस्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6 में बताऊंगा, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6 में बताऊंगा, यानी कि ये दूसरी कंट्री के कुछ ना कुछ फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इनके पास स्ट्रांग रिसर्च टीम रहती है, और ये बुलिश मार्केट यानी बढ़ते हुए मार्केट का फायदा उठाते हैं, ये आते हैं पैसा लेके, रिटर्न मिला निकल जाते हैं, नेचुरली फॉर स्मॉल पीरियड द नेशन एक्सपीरियंस इनफ्लो ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉरेन करेंसी, तो ये रातों रात आते हैं, रातों रात ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑनलाइन, रातों रात इंडिया में पैसा आता है, रातों रात चला भी जाता है, तो यही बोला है कि नेचुरली छोटे टाइम के लिए बहुत पैसा लेकर आते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, दैट्स इट इन दिस चैप्टर, अगर आपको कोई डाउट क्वेरी डिफिकल्टी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं।